पोको, पोको का स्मार्टफोन यानी रिब्रांडेड स्मार्टफोन और रिब्रांडिंग स्मार्टफोन यानी पोको का स्मार्टफोन। दोस्तों ये जो पोको स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कोई नाम पे लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, या तो Xiaomi या तो MI के तरफ से। अब पोको का F3 GT आ रहा है ना, इस बारे में ये वीडियो नहीं है। पोको F3 GT एक अच्छे प्राइस में आएगा, बट उससे भी नीचे एक स्मार्टफोन आएगा जो गेमिंग स्मार्टफोन होगा, पोको X3 GT, जो फिर से एक रिब्रांडेड स्मार्टफोन होगा जहां पे आपको हाई रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छा परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरा नाम है सुमन। दोस्तों पोको X3 GT ये ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है Redmi Note 10 Pro 5G के नाम से, और ये स्मार्टफोन अभी इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होगा क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये लिस्टेड हो चुका है BIS सर्टिफिकेशन साइट में, NBTC सर्टिफिकेशन साइट में, यानी ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। अब कब लॉन्च होगा? देखिए ये जो स्मार्टफोन पोको X3 GT ये अगस्त के महीने पे लॉन्च हो सकता है, अभी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और इसका प्राइस वो तो मैं आगे जाके आपको कहूँगा। पोको X3 GT में आपको पीछे में पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम मिलेगा और 3 कैमरा। पोको का लोगो IP53 सर्टिफाइड होगा, यानी वाटर एंड डस्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको देगा। अब सामने में 6.6 इंचेस का एक पंच होल डिस्प्ले ना, ये एमोलेड नहीं होगा, इसमें आपको फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा। कॉर्निंग जो ग्लास मिलता है विक्टस का वो आपको मिलेगा, ये नया हुआ। और इस स्मार्टफोन में आपको बेजल्स कम मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी बढ़िया है और पंच होल काफ़ी छोटा है। इस स्मार्टफोन में आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, पर उससे पहले आपको ये कह दूँ इस पर आपको 3.5 जैक नहीं मिलेगा, इस पर आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, और शायद ये गेमिंग स्मार्टफोन का यूनिक फीचर्स हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को पुश करके ऑल कीजिए। अगर आप एक लाइक करते हो तो ये वीडियो और भी लोगों के पास जाएगा और वो भी देखेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये जो पोको X3 GT इसमें आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR4X रैम टाइप मिलेगा, तो इसका स्पीड काफ़ी अच्छा होगा। और ये 6GB 128GB, 8GB 128GB और 12GB 256GB करके वेरिएंट पे आपको मिल जाएगा। इसमें जो प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1100 ये मिल जाएगा, ये एक 5G प्रोसेसर है, 6nm टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और साथ में ये जो प्रोसेसर है 2.6GHz पे क्लॉक्ड है, तो इसका परफॉर्मेंस भाई मान के चलो काफ़ी अच्छा होगा गेमिंग में या आप डे टू डे यूसेज कर रहे हो उसमें। तो ये जो स्मार्टफोन है ये 5G प्रोसेसर है, 5G स्मार्टफोन है, और इसमें डुअल 5G आपको मिलेगा, सब 6GHz बैंड मिलेगा, बट कितने सारे बैंड को ये सपोर्ट करेगा ये देखने वाला बात है, और उम्मीद करता हूँ अच्छे अच्छे बैंड को ले आए। और हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और सामने 32MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और सभी फीचर्स होगा, वो 2MP मैक्रो स्किप कीजिए। और पोको X3 GT में आपको 5000mAh बैटरी मिलेगा विद 65W चार्जर, बट इंडिया में शायद आपको 33W मिल जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट होगा, डुअल स्पीकर होगा, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर, MIUI 12.5, एंड्रॉयड 11, उसके ऊपर पोको का लॉन्चर। तो ये था इस स्मार्टफोन का कुछ स्पेक्स, फीचर्स, लॉन्च डेट एंड नाउ प्राइस। पोको X3 GT उम्मीद किया जा रहा है आपको 20,000 के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पोको का ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होगा। भैया पोको X3 GT का अनबॉक्सिंग तो आएगा, साथ में पोको X3 GT जब लॉन्च होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है और भी आगे नया नया वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा गैजेट्स वाला यानी सुमन की तरफ से। चलिए धन्यवाद।